नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 जून रविवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान प्रदेश में बीजेपी महिला मोर्चा के जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई हैं। मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी संगठन ने 35 नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के निर्देश पर यह नियुक्ति की गई है। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा ने नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बीकानेर शहर में सुमन छाजेर, श्रीगंगानगर में चेष्टा सरदाना, हनुमानगढ़ में सरोज लावा, जयपुर दक्षिण में उमा शर्मा, जयपुर उत्तर में आरती सिंह, सीकर में अनीता शर्मा, झुंझुनू में सरोज, अलवर उत्तर में चित्रा शर्मा, अलवर दक्षिण में सुनीता सैनी, दौसा में लक्ष्मी रैला, भरतपुर में हंसिका गुज्जर, धौलपुर में पल्लवी गर्ग गोस्वामी, करौली में डॉक्टर हेमलता गोयल, सवाईमाधोपुर में आशा शर्मा, अजमेर शहर में भारती श्रीवास्तव, अजमेर देहात में मुकेश कंवर, टोंक में राजकुमारी शर्मा, भीलवाड़ा में मंजू पालीवाल को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी तरह जोधपुर शहर में कमलेश गोयल, जोधपुर देहात दक्षिण गवरा देवी, जोधपुर देहात उत्तर में अनुश्री पूनिया, पाली में मनोहर कंवर, जालोर में मंजू सोलंकी, बाड़मेर में डॉक्टर राधा रामावत, बालूतरा में विजय लक्ष्मी राजपुरोहित, जैसलमेर में समता व्यास, उदयपुर शहर में कविता जोशी, उदयपुर देहात में रितु अग्रवाल, राजसमंद में सविता सनाडे, डूंगरपुर में राजकुमारी प्रजापत, कोटा शहर में कविता, कोटा देहात में आशा त्रिवेदी, बूंदी में नुपुर मालव, बारा में राजेश हाड़ा, झालावाड़ में रंजिता पांडे को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण को लेकर बड़ी राहत देखने को मिली है, जिससे हालात अब सामान्य से होते दिखाई दे रहे हैं। शनिवार देर शाम आई रिपोर्ट में प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण से बड़ी राहत मिली। अच्छी बात यह है कि बीते 24 घंटे में राजस्थान में जहां 3,364 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं, वहीं मात्र 942 नए केस सामने आए। श्रीगंगानगर जिले में 21 कोरोना रोगी सामने आए हैं, तो हनुमानगढ़ जिले में 34 नए कोरोना रोगी मिले हैं। हालांकि सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के अथक प्रयास किए जा रहे हैं कि ताकि ये आंकड़े भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर आएं। चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू थाना पुलिस ने चित्तौड़गढ़ कोटा हाईवे पर स्थित मैनाल रिसोर्ट के कमरा नंबर 110 में आयोजित बर्थडे पार्टी में जुआ खेलते हुए आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 जुआरियों को 9,56,000 रुपये की नकदी और जुआ उपकरण के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मौके से 8 कारें व 18 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार जुआरी भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया, जयपुर के चाकसू, मध्य प्रदेश के नीमच, रतनगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले के परसोली के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा और आसपास के क्षेत्र में परिसंचरण तंत्र बन रहा है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के जिलों में मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 दिन पश्चिमी राजस्थान के जिलों में बारिश की संभावना जताई है। थंडरस्ट्रॉम में अचानक 7 तेज हवाएं व बारिश की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। इसके चलते जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच शनिवार को राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और तेज तपन से राहत मिली। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में शुक्रवार को मेयर सौम्या गुज्जर और निगम कमिश्नर यज्ञ मित्र सिंह के बीच हुए विवाद की आंच सरकार तक पहुंच गई है। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। यह जांच स्वायत्त शासन निदेशालय के क्षेत्रीय निदेशक को सौंपी गई है। उधर कमिश्नर के समर्थन में शनिवार को नगर निगम के सभी 10,000 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहे और नगर निगम मुख्यालय पर धरना दिया। कर्मचारियों की हड़ताल और शहर की स्थिति को देखते हुए कमिश्नर खुद निगम मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने की गुजारिश की। इसके बाद कर्मचारियों ने धरना खत्म किया। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम कर रही कंपनी बीवीजी के ऑपरेशन हेड संदीप चौधरी का कहना है कि कंपनी को नगर निगम ने फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में एक भी रुपए का भुगतान नहीं किया। इस कारण हमने 3 दिन से काम बंद कर रखा है। सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष नंदकिशोर डिडोरिया ने कहा कि जब तक इस मामले के आरोपी पार्षदों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक कर्मचारी काम पर नहीं लौटेंगे। जयपुर जिले के जोबनेर थाना क्षेत्र में फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर बन दवा विक्रेताओं से ठगी करने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत को सीकर के रुलाना से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने थाना क्षेत्र भोजपुरा कला गांव में 3 दुकानों पर ठगी की थी। आरोपी के कब्जे से फर्जी आईडी कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। भरतपुर जिले के रुद्रावल थाना क्षेत्र में कलयुगी शिक्षक द्वारा ट्यूशन पढ़ने वाली 9 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है।
पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते सैकड़ों प्री वेडिंग शूट बनाने वाले नए जोड़ों के सपनों पर पानी फेर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल से जून तक सैकड़ों जोड़ों ने प्री वेडिंग शूट करवाने का प्लान बनाया था। पुरातत्व विभाग को भी इससे लाखों रुपए का राजस्व मिलता। प्रदेश में स्मारकों के सामने प्री वेडिंग शूट का चलन है, लेकिन लॉकडाउन के चलते प्री वेडिंग शूट रद्द हो गए। वहीं इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों को भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। प्रदेश में पायलट कैंप के हेमाराम चौधरी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार हेमाराम अपना इस्तीफा वापस ले सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की काफी चर्चा है। सूत्रों ने बताया कि अब हेमाराम की दूरियां खत्म हो चुकी हैं। अब हेमाराम का सरकार और कांग्रेस से संवाद भी बन चुका है। सूत्रों ने बताया कि हेमाराम चौधरी जल्द बड़ी मुलाकातें करेंगे। कहा जा रहा है कि टेलीफोनिक बातों से नाराजगी की बर्फ पिघल चुकी है। मामले में कांग्रेस को घेरने वाली भाजपा के हाथ से भी मुद्दा जा सकता है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।